तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एक ऐसा वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि आज हर एक पर्सन बहुत ज़्यादा उसका स्पीकिंग में यूज़ करता है। तो क्या है वो वर्ड? आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट वॉन्ट। आप लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुना होगा और मे बी यूज़ भी किया होगा। वॉन्ट एक ऐसा वर्ड है जो स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आज मैं आपको इसकी कई सारी जो वेराइटीज़ है, कई तरीके से जो यूज़ होता है, इसकी क्लासिफिकेशन आई एम गोना डिस्कस टुडे। सो होप यू गाइज वुड टेक इंटरेस्ट एंड वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली सो देट यू मे अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, तो वॉन्ट हम स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वॉन्ट अकेला अगर आप यूज़ करते हो, मीन्स वॉन्ट के साथ कुछ यूज़ नहीं करना, सिंपली वॉन्ट यूज़ करना है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? देखो, वॉन्ट बेसिकली वैसे तो वर्ब है, लेकिन इसको अगर आप हिंदी में डिफाइन करते हो, हिंदी में क्या इसका मीनिंग होगा? तो इसका मीनिंग हो जाता है चाहिए। इसका मीनिंग हो जाता है चाहिए अगर आप अकेला वॉन्ट यूज करते हो। जैसे आपने सेंटेंस बोला, आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन, सिंपली आपने इसको इस तरीके से यूज कर लेना है, मुझे पेन चाहिए या मैं पेन चाहता हूं, कुछ भी आप ले लीजिए, बट इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट शो कर रहे होते हैं कि मुझे पेन चाहिए। आई वॉन्ट सम शुगर, मुझे कुछ चीनी चाहिए। आई वॉन्ट सम नॉलेज, मुझे कुछ ज्ञान चाहिए। आई वॉन्ट सम, या जैसे आप अक्सर बोल देते हैं, आई वॉन्ट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, तो वॉन्ट हम इस तरीके से यूज करते हैं। सेकेंड हम यूज देखते हैं वॉन्ट का, जो कि वॉन्ट टू के साथ आता है। वॉन्ट टू, वॉन्ट टू हम कब यूज करते हैं? देखो, इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं पहले। हिंदी में इसका मीनिंग बन जाता है चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हो, चाहता है, चाहती है, इस तरीके से इसके मीनिंग जाता है। ठीक है, बेसिकली देखिए, इसको हम एज ए वर्ब यहां पे यूज कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, एक वॉन्ट टू होता है और एक आ जाता है इसी में ही, इसी कैटेगरी में ही, वॉन्ट्स टू। वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू, दोनों में डिफरेंस होता है गाइज। देखो, क्या हिंदी दोनों की सेम सेम हो सकती है, इसकी हिंदी में हल्का सा चेंज आता है, चाहता है और चाहती है, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ यूज होता है और ये प्लूरल के साथ यूज होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ ये यूज होते हैं, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं वॉन्ट टू किस किस के साथ यूज होता है। वॉन्ट टू हम यूज करते हैं आई, यू, दे, वी। आई यू देवी, आई यू देवी के साथ हम यूज करते हैं वॉन्ट टू। इस वर्ड, इन सभी को आप याद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। आई यू देवी, आयु देवी करके आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे किसी महिला का नाम हो गया ना, जैसे आयु देवी, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आई यू देवी। ठीक है, और वॉन्ट्स कब लगता है? वॉन्ट्स हमारा यूज होता है ही, शी, इट, या फिर किसी सिंगुलर नेम के साथ, जैसे रवि, कवि, सुमित, इनके साथ हम वॉन्ट्स टू यूज करते हैं। तो वॉन्ट और वॉन्ट्स टू में ये डिफरेंस होता है गाइज। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई वॉन्ट To play, I want to play। अब देखो, यहाँ पे ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, want भी वर्ब है और play भी वर्ब है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे to का यूज करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी दो वर्ब्स को आप कनेक्ट करते हो तो बीच में आपको to लगाना पड़ता है। दो फर्स्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आप कनेक्ट करते हो तो बीच में to का यूज कर लिया कीजिए। I want to play। और अगर आप इसको wants का यूज करते हो तो आप कैसे बोलेंगे? He wants to play, he wants to play। सॉरी, इसमें नहीं लगेगा एस, wants में लगेगा एस बस। ठीक है, want का wants हो जाएगा, क्योंकि he और she, he, she, it और name के साथ हम wants का यूज करते हैं। ठीक है, wants का यूज करते हैं। होप यू आर गेटिंग कि कब हमें want to बोलना है और कब हमें wants to बोलना है। ठीक है, वहां पे जो लिखा उसको ध्यान से देख लीजिए। आयु देवी के साथ वॉन्ट टू, ही शी इट नेम के साथ वॉन्ट्स टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा एक चीज इसमें और, अक्सर जो स्टूडेंट स्पीकिंग में यूज करते हैं कि वॉन्ट टू को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं? वॉन्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में, सुना आप लोगों ने, मैं भी सुना होगा कि वॉन्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं। देखो, इंग्लिश है ना, बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड होती है, एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश, एक होती है
अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन इंग्लिश, तो ब्रिटिश इंग्लिश में तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप अमेरिकन एक्सेंट की बात करते हो, अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हो, तो वहां पे वॉन्ट टू का शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज होता है, दैट इज वाना, वाना आप यूज करते हो, वाना। तो यहां पे वॉन्ट टू की जगह पे भी वाना आ सकता है, आई वाना प्ले, और वॉन्ट्स टू की जगह पे भी वाना आ सकता है, आई वाना प्ले, सॉरी ही वाना प्ले। इसमें फिर ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ही वाना प्ले क्लियर हो जाता है, ठीक है, और आई वाना प्ले, बोथ आर करेक्ट हियर। तो आप वाना भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वॉन्ट टू या वॉन्ट्स टू, यहां पे नहीं यूज हो सकता गाइस, यहां पे टू नहीं है तो अकेला वॉन्ट है, तो वॉन्ट ही लगेगा यहां पे, यहां वाना आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉन्टेड, वॉन्टेड टू। अब देखो वॉन्टेड ये एक्चुअली में इसकी सेकेंड फॉर्म चली गई है और ये पास्ट में चला गया, चाहता था, चाहता था में ये चला गया है, ठीक है, चाहता था में हम इसको यूज करते हैं। आई थिंक आई शुड रब इट। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, थर्ड में हम देखते हैं वॉन्टेड टू, वॉन्टेड टू कब हम यूज करते हैं, लेट्स सी, वॉन्टेड टू हम यूज करते हैं एक्चुअली पास्ट ये इसका सेकेंड फॉर्म है ये वॉन्ट टू की, वॉन्टेड टू इसका हिंदी में चला जाता है मीनिंग चाहता था या चाहती थी, ठीक है, ये पास्ट में चला गया है भाई, ठीक है, या चाहा, चाहा भी बोल सकते हैं आप सिंपली, ठीक है, जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं बोलना चाहती थी इंग्लिश, मैं बोलना चाहती थी इन माई पास्ट, इन माई चाइल्डहुड। सो वॉन्टेड का आप यूज करेंगे जब आप पास्ट में कुछ चाहते थे, ठीक है। चाहा कैसे यूज करते हैं, जैसे इफ शी वॉन्टेड, इफ शी वॉन्टेड टू कम, सो शी कुड कम, इफ शी वॉन्टेड टू कम, तो बेसिकली चाहता था या चाहा का साउंड आ जाता है इसमें, आप यूज कर सकते हैं, अगर वो आना चाहती या उसने आना चाहा तो वो आ सकती थी, लाइक दिस, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ हम यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप स्टडी करेंगे हम, देखिए गाइस, वॉन्ट का फोर्थ यूज जो हम स्टडी कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या होता है, वॉन्ट लगाते हैं हम, फिर हम किसी प्रोनाउन को यूज करते हैं, प्रोनाउन का मीन्स होता है कोई भी सर्वनाम, जैसे कि सब्जेक्ट वाला सर्वनाम नहीं, ऑब्जेक्टिव सर्वनाम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर टू लगा देते हैं हम। देखो कैसे, कौन कौन से, या तो मी, या यू, या देम, हिम, हर, अस, इस तरीके के वर्ड, या किसी का नाम भी आ सकता है, ध्यान रखना नाउन भी आ सकता है कोई, ये हम यूज करते हैं वॉन्ट के बाद और फिर टू लगा देते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, फिर मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ। जैसे देखो आपने सेंटेंस बोला आई वॉन्ट हिम टू, आई वॉन्ट हिम टू, आई वॉन्ट हिम टू, देखो मैं चाहता हूं, ये तो इतने में क्लियर हो गया, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट हिम टू मतलब हो गया मैं उससे चाहता हूं, मैं उससे कुछ काम करवाना चाहता हूं, तब आप इसका यूज करते हैं। कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट हिम टू टीच मी, मैं चाहता हूं कि वो मुझे पढ़ाए, इसमें दो सेंटेंस बनते वैसे तो, जैसे कैसे बनता, आई वॉन्ट दैट He teach me, लेकिन मैंने इसको इकट्ठा कनेक्ट किया, दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो I want him to teach me, मैं चाहता हूं कि वो मुझे पढ़ाए, ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो मुझे पढ़ाए, ठीक है, या फिर जैसे हम बोलते हैं I want him to help me, मैं चाहता हूं कि वो मेरी मदद करे। इसमें आप जो हिम मैंने बोला ना, इसमें से आप कोई भी
यूज कर सकते हैं प्रोनाउन, ठीक है। नाम भी आ सकता है किसी का, जैसे ही वॉन्ट्स, अगर ही आएगा तो अगेन जो लास्ट मैंने बताया एस लग जाएगा, ही वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स मी टू हेल्प हिम, ही वॉन्ट्स मी टू हेल्प हिम, ठीक है। जैसे ही वॉन्ट्स मी टू हेल्प हिम, वो चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। देखो बहुत अच्छा और बहुत स्मूथली आप यूज कर पाएंगे, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्या मीनिंग बनेगा हिंदी में इसका, कि मैं या आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, ये मीनिंग बनेगा इसका, ठीक है। तो गाइज ये थे इसके यूज वॉन्ट के, होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड, होप यू गाइज हैव लर्न प्रॉपरली। अगर कोई कन्फ्यूजन लग रही है, कोई भी डाउट है, सो प्लीज़ आस्क टू मी इन कमेंट बॉक्स, और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, सो दैट इट मे हेल्प अदर्स ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज हैव इन्जॉयड, थैंक यू।